तेरी ज्योति से नूर मिलता है, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, ये हो गमे दिल को सुरूर मिलता है, ये हो और जो आता है तेरे दर पे माँ उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन मिलता तब है चाचा जब भावना सच्ची होती है, भक्ति सच्ची होती है। आइए चंद लाइनों के माध्यम से सुनेंगे, जिन जिन ने माँ का जगराता सुना और समझा आज तक और आज से पहले, उनका कुछ गुणगान करें। कहा किसी ने, जिस दर पे तेरा दरबार सजे, जिस दर पे तेरा दरबार सजे, वो दर पावन हो जाता है। जिस दर पे तेरा दरबार सजे, जय हो, वो दर पावन हो जाता है। और चाचा, जिस घर में तेरी ज्योत जले, वो घर पावन हो जाए। क्या बात, अच्छी लगी, समझ में आई? तो जोरदार जयकार लगाएं। और मात न नाचने की जरूरत है, न मटकने की जरूरत है, स्थान पर बैठी और मीठी मीठी तालियों के साथ बोलिए, जिस घर पे तेरी ज्योत जले, वो घर पावन हो जाता है। जिस घर पे तेरी ज्योत जले, वो घर पावन हो जाता है। जिस दर पे तेरा दरबार सजे, जिस दर पे तेरा दरबार सजे, वो दर पावन हो जाता है। जिस घर पे तेरा दरबार सजे, वो घर पावन हो जाता है। जिस दर पे तेरा दरबार सजे, वो दर पावन हो जाता है। और जिस घर में तेरी ज्योत जले, जिस घर में तेरी ज्योत जले, वो घर पावन हो जाता है। जिस घर में तेरी ज्योत जले, वो घर पावन हो जाए हो। मेरी लाइन कह रही है, जिस घर में तेरी ज्योत जले, वो घर पावन हो जाता है। तो सतयुग में मां की ज्योति जलाई किसने? किसने? सतयुग में रानी तारा ने, सतयुग ने रानी तारा ने, सतयुग में उस रानी तारा ने हरिचंद को पंथ सिखाया था। सतयुग में रानी तारा ने हरिचंद को तंत्र बताया था। जब तारा ने समझाया कि हे प्रभु, आप चक्रवर्ती सम्राट जब बनेंगे, जब माँ की ज्योति को घर में जलाएंगे, ये हो, सतयुग में रानी तारा ने हरिचंद को पंथ सिखाया था। वो सतयुग में रानी तारा ने वो हरिचंद को पंथ सिखाया था। तो राजा ने क्या किया?
राजा ने बेटा और घोड़ा इस माँ की भेंट चढ़ाया था। वो राजा ने और माता बेटा माँ का भेंट चढ़ाया था। राजा ने घोड़ा और बेटा उस माँ की भेंट चढ़ाया था। और जब भेंट चढ़ाया तो भेंट चढ़ाया हुआ सर, इसकी चंटी बढ़ाओ थोड़ी सी ढोलक की, बॉबी ढोलक की थोड़ी सी ट्रेबल बढ़ाओ। जब राजा ने घोड़ा और बेटा दोनों माँ की भेंट चढ़ा दिए तो दोनों पत्थर के हो गए। तो राजा ने रानी से कहा कि तूने तो मेरा परिवार विध्वंस करा दिया, अब मैं क्या करूं। तो रानी क्या कह रही है, क्या कह रही है भैया? देखा है इसकी भक्ति में, माँ की भक्ति में, देखा है इसकी भक्ति में पत्थर पावन हो जाता है। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में आपने देखा है मूर्तियां किसकी मिलती हैं? पत्थर की। एक बार इंसान ने भगवान से कहा, हे भगवान तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार, तू हम इंसानों को बनाता है और हम तेरी मूर्तियां पत्थर से बनाते हैं। जय हो। लेकिन अफसोस चाचा तब होता है जब तेरी बनाई हुई मूर्तियां आपस में लड़ती हैं और मेरी पत्थर से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करती हैं, होती है। इसीलिए तो भक्त के बस में भगवान है, इसलिए भक्त के बस में भगवान है। इसलिए कहा रानी ने, देखा है इसकी भक्ति में पत्थर पावन हो जाता है। देखा है उसकी भक्ति में पत्थर पावन हो जाता है। राम की पत्नी का हरण किसने किया, किसने किया भाई? रावण ने। जब रावण ने सीता का हरण किया तो भगवान ने रामेश्वरम में जाकर के महादेव की स्थापना करी। महादेव प्रसन्न हुए, कहने लगे मैं तो प्रसन्न हूं लेकिन बिना शक्ति के शक्तिमान, बिना शक्ति के शक्तिमान बेकार है, शक्तिमान प्रसन्न है, शक्ति को मनाइए। तो देखिए माँ की पूजा किसने की, कैसे कहा, त्रेता में श्री रामचंद्र ने, त्रेता ने श्री रामचंद्र, त्रेता में श्री रामचंद्र ने माँ तुझको मनाने के लिए, माँ तुझको मनाने के लिए, माँ तुझको मनाने के लिए अपने ही इन कर कमलों से, अपने ही इन कर कमलों से तो सुंदर नैना भेंट किए, तो सुंदर नैना भेंट किए, तो सुंदर नैना भेंट किए। राम ने और माँ को मनाने के लिए अपने दोनों नेत्रों को मैया के चरणों में चढ़ा दिया। ये हो। तब माता जी कहा, तेरी भी पूजा कर कर के, क्या बात है, तेरी भी पूजा कर कर के ये कर पावन हो जाता है। कर्माने, कर्माने जानता है कोई क्या होता है? एक बार मैया के नाम की तालियां बजा दें आप लोग।
कर्माने होता है हाथ, इसलिए कभी ने कहा तेरी माँ पूजा कर करके ये कर पावन हो जाता है, इसलिए कहना पड़ा जिस घर में तेरी जोत जले वो घर पावन हो जाता है, जिस घर में तेरी जोत जले वो घर पावन हो जाए हो। अब सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, अब कौन सा युग आया? द्वापर। अब देखिए द्वापर में मां की पूजा किसने करी? तेरी भक्ति से नर नारायण, तेरी भक्ति से नर नारायण वो अर्जुन कृष्ण बने दोनों, वो अर्जुन कृष्ण बने दोनों, वो अर्जुन कृष्ण बने दोनों। गीता का ज्ञान पढ़ा करके, गीता का ज्ञान पढ़ा करके तो उत्तर प्रश्न बने दोनों, दो उत्तर प्रश्न बने दोनों, दो उत्तर प्रश्न बने दोनों। नर बना अर्जुन और नारायण बने भगवान, भगवान कृष्ण, इसलिए कवि ने कहा नारायण पावन होता है, क्योंकि नारायण ईश्वर है, नारायण पावन होता है, पर तेरी भक्ति से नारायण पावन होता है, ये नर पावन हो जाता। नर तो पावन तब होता है जब तेरी भक्ति करता है, नारायण पावन होता है ये नर पावन हो जाता है, नारायण पावन होता है ये नर पावन हो। सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, अब क्या बचा? कलयुग। कलयुग में मैया की महिमा, कलयुग में मैया की महिमा ये तुम जानो और मैं जानू, ये तुम जानो और मैं जानू, ये तुम जानो और मैं जानू। कलयुग में कौन भक्त हुआ? सर काट के अपना चढ़ा दिया, सर अपना काट के चढ़ा दिया, एक भक्त हुआ था वो ध्यानु, एक भक्त हुआ था वो ध्यानु, एक भक्त हुआ था वो ध्यानु। कलयुग में एक भक्त ऐसा हुआ जिसने अपने सर को माता के चरणों में चढ़ा दिया, इसलिए कहा जो तेरे दर पर झुक जाए, जो तेरे दर पर झुक जाए वो सर पावन हो जाता है, जो तेरे दर पर झुक जाए वो सर पावन हो जाता है, जिस घर में तेरी जोत जले वो घर पावन हो जाता है, जिस घर में तेरी जोत जले वो घर पावन हो जाता है, जिस घर में तेरी जोत जले वो घर पावन हो जाता है, जिस घर में तेरी जोत जले वो घर पावन हो जाता है, जिस दर में तेरा दरबार सजे वो दर पावन हो जाता है, जिस दर में तेरा दरबार सजे वो दर पावन हो जाता है, वो दर पावन हो जाता है, दर पावन हो जाता है, वो
कबूतर पावन हो जाता है, कबूतर पावन हो जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। भजन समझ में आया? आया तो एक बार जोरदार तालियां माताजी के नाम की बजा दें। देखिए चाचा,